अभी बारिश का दिन हो गया है तो थोड़ा बहुत दुकानें बंद रहती है, इसी के वास्ते कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, जो मांगता है वो मिल जाता है आपको। पूरा खड्डा हो गया है नदी का पानी जैसा हो के पूरा खड्डा हो चुका है, खड्डा हो गया, पानी पूरा बारिश का पानी पूरा घर के अंदर आ गया है। देखो कितना भर चुका है दरिया, इतना तेज़ी से आता है कि किसी को भी अंदर छोड़ने को, किसी को भी छोड़े अगर भाई हर टाइम पे आप नहाने वहाने को जाता है अंदर, उसी की तरह अगर आप अंदर जाओगे तो भाई बाहर निकलना बहुत मुश्किल पड़ता है। इसमें कोई भी अंदर जा नहीं सकता यहाँ पे, जहाँ पे इसी की वजह से यहाँ पे देखो गेट के जैसा यहाँ पे दोरी लगा के रखा है, जहाँ पे क्रिटिकल एरिया डेंजरस प्लेसेस है वहाँ पे पूरा बांध के रखा हुआ है। यहाँ पे पूरा देखो कहाँ कहाँ पे लाल झंडा दिखाई दे रहा है, सभी जगह पे वही लगा के रखा हुआ है, पूरे लाल झंडा की तरफ अंदर कोई नहीं जा सकता इसमें। जहाँ पे लाइफ गार्ड जो रहता है उसी को परमिशन है अंदर, इसके अलावा किसी को भी अंदर परमिशन नहीं है जाने के लिए, और नहाने को कोई भी नहीं जाएगा अंदर, सिर्फ देख के बाहर से मजा लेके आ सकता है। ये देखो इन लोग अभी अंदर जाने के लिए तरस रहा है, फिर भी अभी लाइफ गार्ड देख लिया तो इनको बाहर ही बुला के बाहर ला के रख देगा। और दोस्तों स्वागत है हमारे आज के नए ब्लॉग में। और दोस्तों मैं कलंगुट के बीच के ऊपर आया हूँ। 2024 का बारिश इतना तेज़ी से आया है, 15-40 दिन हुआ नॉन स्टॉप बारिश आ रहा है, इसके वजह से गांव में पूरा पानी वगैरह सभी भर गया था, दिखाया था आपको सभी कभी पूरा दिखाया हूँ। लेकिन बहुत सारे बारिश, काफ़ी सारी बारिश होने के बाद भी यहाँ पे देखो कि समुद्र में जो नाला वगैरह सभी, नदी वगैरह सभी से पानी आके यहाँ पे पूरा भर के कैसा हो गया, दरिया का पूरा तेज़ी से आ रहा है। और इतना साउंड आता है कि पूछो मत, इतना साउंड आता है। अगर रात में कोई नहीं रहेगा तो भाई आसपास में 1 मीटर के दूरी में भी किसी का बात किसी को सुनने को नहीं आता, इतना साउंड आ रहा है। लेकिन भी इतना साउंड आते ही तो, लेकिन साउंड के मतलब से हम नहीं आए यहाँ पे, लेकिन इस टाइम दरिया कैसा रहता है, समुद्र का पानी कैसा तेज़ी से रहता है, इसी के वजह से दिखाने के लिए आया हूँ। ये देखो कि कितना खतरा होता है कि इसी को अंदर नहाने को किसी को छोड़ता नहीं, और इसी के वजह से यहाँ पे डेंजरस है, खतरा है, इसी के वजह से ये रस्सी बांध के रखा हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं पूरे बीच के ऊपर, ये देखो पूरे के पूरे सभी जगह पे बांध के रखा हुआ है। ये देखो डेंजर, खतरा, धोखा, ये सभी हो सकता है, इसी के वास्ते पहले ही एडवांस ये बोर्ड लगा के रखा हुआ है। ये लाल झंडे के अंदर ही रहना है, अगर लाल झंडे के अंदर उनका परमिशन, बिना परमिशन के अंदर चले जाओगे तो भाई खतरा हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो उनको पूछने का नहीं है, इसी के वास्ते ये लगा के रखा हुआ है। और इतने लोग जो भी है, इतना तो बाहर बैठ के देखने वाले नहीं थे, लेकिन अंदर जाके पूरे नहाने के बीच में नहाने के लिए देख रहे थे, लेकिन फिर भी अभी नहाने को नहीं मिलता है इन लोगों को, यहीं पे बाहर से देख के ऐसे ही चले जाना है और भी मुश्किल पड़ जाएगा, इसी के वास्ते किसी को अंदर नहीं छोड़ता है, छोड़ेगा तो भी लाइफ गार्ड को भी प्रॉब्लम हो जाएगा, सबको भी प्रॉब्लम हो जाएगा। और नदी नाला से पानी आता है, जो पानी आके पूरा इसमें भर के देखो इतना तेज़ी से, और हवा भी इतना ही रहता है अंदर, ये हवा की वजह से किसी को भी अंदर जाने को भी परमिशन नहीं है और कोई भी अंदर जाता ही भी नहीं है। पानी हो गया है नीला, समुद्र का पानी होता है नीला, लेकिन अभी पानी हो गया है लाल, लाल पानी हो गया है, पूरा लाल हो गया है। ये देखो कि यहाँ पे बागा बीच यहीं से दिखाई देता है, आप देखे होंगे बागा बीच पे भी,
ऐसा होता है बागा बीच, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं कि लोग थोड़ा बहुत सारे लोग आ गया है। ओह इतना तेजी रहता है, देखा बारिश का खतरा कितना होता है, अगर अनजाने में अंदर चले जाओगे तो भी कोई भी आ नहीं सकता है बाहर, कितना खतरा हो सकता है। देखो पानी कितना तेजी से कहाँ तक जाता है, देखो 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 वो देखो, इतने लोग वहाँ पे खड़ा है फिर इतना दरिया आया आया आया। अगर बारिश के ये समुद्र के पानी में अगर थोड़ा भी आगे चले जाओगे भाई तो बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। और इन लोग ना, और इन लोग जो दे नीचे दो लोग देख रहा है, ये क्या देख रहा है बताओ। देखेंगे हम जो समुद्र का दरिया का मज़ा लेने के लिए आ रहे हैं, और इन लोग ना वो समुद्र में जो पहले लोग नहाने को जाता है अंदर बारिश के पानी में अंदर नहावा आया रहता है, जो समर टाइम पे जो भीड़ सारे रहता है उस समय पे अंदर किसी का सोना किसी का चांदी किसी का कुछ अंदर गिरा हुआ, तो इस पानी के इस समय पे पूरे के पूरे बाहर निकल के आ जाता है। अंदर कचरा कोई नहीं रखता है समुद्र के अंदर, समुद्र कोई अंदर कचरा रख नहीं सकता है, इसी के वास्ते इन लोग ना सुबह से शाम तक यही तलाश में रहता है। ये देखो नीचे कैसा देख रहा है, वो कैसा देख रहा है, दोनों को दोनों वही है। इसके वास्ते संभाल के रहो संभाल के रहो। हर वीडियो में मैं बताया हूँ आपको, अपना जो भी गहना गीना कुछ है तो सब साइड पे निकाल के रहो वरना ऊपर आ जाएगा। अगर बारिश में ये समुद्र के पानी में अगर चला गया तो दोबारा नहीं मिल सकता है, संभाल के रखो अपने आप, ऐसे बोल के काफ़ी सारे बताया आप लोगों को। ये देखो इस तरफ एक बंदा यहीं पर वही भी वही काम कर रहा है, तलाशी कर रहा है। देखो सर पर सिर्फ ज़मीन पे देखता है, हमको कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन उनको पता चलता है, सुबह से शाम तक वही काम करते रहते हैं ना दबरिया पे, तो उन लोगों को पता चल जाता है। वो कोई उठा रहा है, देखो वो कुछ उठाया कुछ रहता है ना, वो वही तलाश में रहता है, देखता रहिए। कैसा लगी हमारी वीडियो, पानी में हम पूरे गीले हो के थोड़ा छोटा मोटा काम करते हैं तो हर दिन गीला होना है, पानी में भिजना पड़ता है, इसी के वास्ते मेरा बैठेंगे थोड़ा यहाँ पे भी, थोड़ा दिन बारिश में भीगने के लिए मना कर दिया डॉक्टर ने, फिर भी मैं बिना पूछे मैं यहाँ पे आके ये बना रहा हूँ, और बारिश में भी भीग रहा हूँ, और साउंड का वॉल्यूम भी थोड़ा कम हो गया है, कम नहीं अलग तरीका चेंजेस हो गया, वॉइस चेंज हो गया है, इसी के वास्ते मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाया था, हॉस्पिटल को दिखाने का फिर भी जाके ऐसे ही बैठने का, फिर भी ऐसा ही होता है गीला होने का पानी में भिजने का और दोबारा ऐसे ही काम करना, इसी के वास्ते मैं कहीं वीडियो वगैरह नहीं बनाया था। चलो आज एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पे आया था, दिखाने के भी आया था तो मैं दिखाई दिया। और यहाँ पे कलंगुट के बीच पे आप देख रहे हो मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ। फिर भी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि यार भाई मेरा वीडियो देखते हो और भाग के चले जाते हो, छोड़ के चले जाते हो, मतलब नहीं है अपना ये सब्सक्राइब से हमको थोड़ा कुछ राहत मिले आगे, इसी के वास्ते हम आपकी तरफ से एक मदद मांग रहे हैं, प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो यार भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं अभी निकल रहा हूँ अभी घर की तरफ, चलो आगे मिलेंगे।